वेल हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोकेमॉन मूवी 16 यानी कि पोकेमॉन मूवी जेनेसिस एंड द लेजेंड ऑफ वीकनेस की कहानी, और इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। और क्या ठीक इस मूवी के बाद हमें सीजन 40 भी देखने को मिल सकता है या फिर नहीं, उसके रिलेटेड भी हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे बिल्कुल लास्ट तक देखना। और अगर तुम लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर तुम लोगों ने अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो क्या कर रही हो यार, जल्दी से जल्दी इस वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, जो भी पोकेमॉन लवर्स हो उन तक ये वीडियो जरूर से पहुँचा देना। और कमेंट्स में बताना कि तुम लोगों को वीडियो कैसी लग रही है। और हाँ, अगर तुम लोग मुझसे बात करना चाहते हो और ऐसा कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मुझे पर्सनली बात करना चाहते हो, तो तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स रॉक। तो गाइज, हमारी पहली अपडेट आ रही है पोकेमॉन मूवी को लेकर। वेल, अगर तुम लोगों को याद होगा कि जुलाई के मंथ में एक अपडेट मिली थी कि अगस्त के 15 तारीख को शायद हमें मूवी 16 देखने को मिल सकता है, लेकिन 15 अगस्त तो चला गया लेकिन हमें मूवी 16 देखने को नहीं मिला। वेल, इसको लेकर एक कॉन्ट्रोवर्सी भी बहुत बड़ी हुई थी, वो भी हम सब पोकेटिवर्स के बीच। लेकिन अभी हम लोग कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे सबसे बड़ी अपडेट अभी की, जो कि है पोकेमॉन मूवी 16 को लेकर। आई नो कि तुम लोग जरूर से एक्साइटिंग होंगे कि पोकेमॉन मूवी 16 को लेकर और इसकी टाइमिंग और डेट को लेकर, तो जरूर से तुम लोग एक्साइटिंग होंगे। तो मैं तुम लोग को बता दूं कि टाइमिंग और डेट है 7 नवंबर को सुबह के 9:15 पे ये मूवी हमें देखने को मिलने वाली है, वो भी सिर्फ और सिर्फ हंगामा पर। और मैं तुम लोगों को मूवी का नेम ही बता दूं, जो कि है जेनेसिस एंड द लेजेंड ऑफ द वीकनेस की कहानी। पता नहीं मैं सही नाम ले भी पा रहा हूँ, अगर तुम लोगों को सही नाम पता है तो मुझे कमेंट्स में तुम लोग जरूर से बता देना। आई नो कि थोड़ा सा अजीब नाम है, पर अभी क्या कर सकते हैं। तो देखो, बहुत ही मजा आने वाला हमें इस मूवी को लेकर, और मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग हूँ कि आखिर कब ये मूवी आने वाली है। आई नो कि 7 नवंबर को आने वाली है, लेकिन मैं तो इसके लिए बिल्कुल वेट नहीं कर सकता। लेकिन इतनी तो गारंटी मैं तुम लोगों को दे ही सकता हूँ कि इस मूवी में हमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सो गाइज, अभी बात करते हैं पोकेमॉन सीजन 40 यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट के बारे में। तो मुझे पता है कि तुम लोग काफी टाइम से सीजन 40 के आने का वेट कर रहे हो, अराउंड 1 साल से ज्यादा हो चुके हैं पोकेमॉन के कोई भी न्यू सीजन आए हुए। आखिरी बार आए थे अप्रैल या मई मंथ में, हमें सीजन 30 देखने को मिला था अराउंड 2090 के बीच में। वेल, काफी पोकेमॉन फैंस है जो अभी भी सीजन 40 के आने का वेट कर रहे हैं, बल्कि मैं कहना चाहूंगा कि काफी सारे ऐसे फैंस है जो पोकेमॉन सीजन 40 के आने का वेट कर रहे हैं। मतलब मैं कहना चाहूंगा कि बहुत से पोकेमॉन फैंस है, मतलब सारे के सारे फैंस ही वेट कर रहे हैं कि कब सीजन 40 आएगा, कब हमें वो हिंदी डब में देखने को मिलेगा टेलीविजन पर। तो मैं तुम लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो चलो शुरू करते हैं और हम बढ़ते हैं हमारे पहले पॉइंट की तरफ। तो अभी ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज की एक और न्यू मूवी आने वाली है 7 नवंबर को। और गाइस, मैं तुम लोगों को बता दूं कि ये मूवी ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज की आखिरी मूवी है, मतलब सीजन 40 यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट में जितने भी मूवीज को टेलीकास्ट किया गया ये उन मूवीज में से आखिरी मूवी है। तो अभी हम प्रेडिक्शन करेंगे कि आखिर कब सीजन 40 यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज हमें टीवी पर देखने को मिल सकता है, वो भी हिंदी डब में। तो सीजन 40 के आने के जो चांसेस है वो है 2020 के दिसंबर मंथ में। वेल, क्योंकि सीजन 40 की आखिरी मूवी नवंबर मंथ में आने वाली है, तो शायद से नवंबर के मंथ में आखिर तक हमें सीजन 40 देखने को नहीं मिल सकता। वेल, हो सकता है कि दिसंबर मंथ में भी आ जाए, चांसेस थोड़े बहुत है सीजन 40 को लेकर। शायद से सीजन 40 हमें दिसंबर मंथ में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन मैं कहूंगा कि इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है। और मुझे ज्यादातर चांसेस ये लग रहा है कि सीजन 40 हमें 2020 में देखने को नहीं मिलने वाला। तो इसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज के आने के सबसे ज्यादा चांसेस जो कि है 2021 के अप्रैल या मई मंथ में, क्योंकि पोकेमॉन के अब तक जितने भी हमें न्यू सीजन देखने को मिल चुके हैं उनसे 80-90% सीजन हमें अप्रैल या मई मंथ में देखने को मिले हैं। और अगर किसी रीजन से सीजन 40 अप्रैल या मई मंथ में भी हमें देखने को नहीं मिला, तो मे बी समर यानी कि अगस्त के मंथ में भी हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसके लिए हमें काफी ज्यादा वेट करना होगा। लेकिन शायद अप्रैल या मई मंथ में हाईली पॉसिबिलिटी है कि तब जाकर शायद हमें सीजन 40 यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज देखने को मिल सकता है। वेल, देखते हैं कि आगे क्या होता है। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। होप करता हूँ तुम लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट्स में बताना तुम लोगों को वीडियो कैसी लगी। और अगर तुम लोग मुझसे बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम में आ जाओ, लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मैं मिलता हूँ तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू अगेन।